वेलकम टू माय चैनल मैं माशाकर सर आपका माशाकर केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं शहू स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 इसका पेपर सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं सब्जेक्ट है केमिस्ट्री शुरू करते हैं जल्द से जल्द इस पेपर के सॉल्यूशन को इसमें क्वेश्चन नंबर वन है इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू टू इन प्रेजेंस ऑफ हीट अगर इथेनॉल का कन्वर्जन इथिन में अगर हम करते हैं तो उस रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों इथेनॉल का कन्वर्जन अगर यथिन में करते हैं तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हम क्या करते हैं मालूम है आपको तो उस रिएक्शन में कॉन्सनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर का कैटलिस्ट बोल के उस रिएक्शन में हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल के उसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों ठीक है उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू क्या है देखिएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज एडिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है नंबर वन सी एस थ्री सी एस टू ओ एच गिव सी एस थ्री सी ओ ओ एच यानी कि जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बच्चों क्या है बच्चों ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसके बाद ऑप्शन नंबर टू है सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू जिसका कन्वर्जन सी एस थ्री सी एस थ्री यानी कि निकेल कैटलिस्ट और एच टू गैस के, के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है यानी डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू तो द सिंगल बॉन्ड यानी ये जो रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन में क्या होता है अन कंपाउंड का कन्वर्जन सैचुरेटेड कंपाउंड में होता है यानी कि डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू द सिंगल बॉन्ड ठीक है बच्चों तो ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री की ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री देखिएगा पिकअप एंड इस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग जो चार ऑप्शन है इसमें इस्टर लिंकेज कौन सा है जिस कंपाउंड में सी ओ ओ लिंकेज होता है उसे हम इस्टर कहते हैं कौन सा लिंकेज सी ओ ओ लिंकेज होता है उसे हम इस्टर कहते हैं ठीक है थीके? इसलिए ऑप्शन नंबर वन जो है यही स्टर है क्या वो सी एस थ्री सी एस टू सी ओ ओ सी एस थ्री यानी कि ये इस्टर कंपाउंड है ठीक है बच्चों उसका नाम है मिथिल प्रोप्योनेट ओके इट इज़ द ईस्टर उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फ़ोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर क्या है देखिएगा कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड कैन बी कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग इथेनॉल इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ अगर किया जाए तो इसका आंसर उसका कन्वर्जन इथेनॉइक एसिड में होता है ठीक है बच्चों इसका आंसर अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन नंबर फिफ्टी टू में वन है वहाँ पर उसका आंसर है अल्कलाइन के मेनोफोर यानी कि अल्कलाइन और एसिडिक के मेनोफोर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों ठीक है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर टू है ऑप्शन नंबर क्या है टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम एसिडिक के मेनोफोर का इस्तेमाल करते हैं जो कि इथेनॉल का कन्वर्जन इथियनॉइक एसिड में कन्वर्जन करता है ठीक है बच्चों उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव की तरफ कौन सा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर हम फिफ्टी फाइव की तरफ आते हैं क्या देखिएगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ सोडियम इथेनोएट एंड मिथेनॉल द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद अल्कली लाइक एन एच और के ओ एच ठीक है, like है बच्चों इसका रिएक्शन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दिया है देखिएगा कैसा है इसका सोल्यूशन ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इसमें हमने पहला लिया है ईस्टर को सी एस थ्री सी ओ ओ सी एस थ्री जिसके ऊपर हम अल्कली यानी एन ए ओ एच के रिएक्शन अगर इसके साथ किया जाए तो उसका कन्वर्जन होता है सी एस थ्री सी ओ ओ एन यानी कि सोडियम इथेनोएट क्या होता है बच्चों सोडियम इथेनोएट प्लस क्या होता है इथेनॉल में कन्वर्जन होता है किसमें होता है इथेनॉल यानी कि इसका हमको स्टार्टिंग कंपाउंड को निकालना है ठीक है बच्चों जो अल्कोहल होता है वो ऑक्सीजन के सामने आता है ठीक है बच्चों वो ग्रुप क्या होता है ऑक्सीजन के सामने यानी कि यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीजन के सामने सी एस थ्री ग्रुप आता है इथियनोएट का मतलब यहाँ पर दो कार्बन आइटम होना जरूरी है तो यहाँ पर दो कार्बन है और ऑक्सीजन के सामने मिथिल ग्रुप है यानी कि इस्टर कौन सा हो गया मिथिल इथियनोएट देखिएगा ऑप्शन नंबर वन में ये आंसर आपको दिखाई देता है ठीक है बच्चों उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स की तरफ कौन सा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्या है देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है द एलिमेंट एक्स फ्रॉम द ग्रुप सेकेंड ऑफ पीरियडिक टेबल रिएक्ट्स विथ वाई फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फिफ्टीन टू फॉर्म द कंपाउंड एंड द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज ठीक है देख देख लीजिएगा बच्चों क्या है एलिमेंट जो है ना वो दो एलिमेंट है एक्स और वाई एक्स एक एलिमेंट है और वाई एक एलिमेंट है ठीक है बच्चों एक्स एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर टू में बिलोंग करता है और वाई जो है वो ग्रुप नंबर फिफ्टीन से होता है ठीक है बच्चों जो ग्रुप नंबर टू में होता है उसका वैलेंसी क्या होता है वो टू ही वैलेंसी होता है जो ग्रुप नंबर फिफ्टीन में होता है उसकी वैलेंसी थ्री होती है यानी कि वैलेंसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किया जाए तो येस कितने हो गए थ्री और वाई जो हो गए टू यानी कि फार्मूला हो गया एक्स थ्री वाई टू ठीक है बच्चों क्या हो गया एक थ्री वाई टू इसका सही आंसर है वन नंबर यानी कि एक थ्री उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ कौन सा क्वेश्चन है बच्चों 57 की तरफ हम बढ़ते हैं क्या देखिएगा फिफ्टी सेवन नंबर का क्वेश्चन एटम ऑफ एन एलिमेंट x हैज़ एटॉमिक मास नंबर 40 एंड कंटेंस 21 न्यूट्रॉन्स द एलिमेंट x इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल बिलोंग्स टू एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है बच्चों फोर्टी एटॉमिक मास नंबर है देखिएगा एलिमेंट कौन सा है एक्स इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है फोर्टी न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं ट्वेंटी वन है ना इसका हमको फार्मूला आपके सामने मालूम है जेड इज इक्वल टू ए माइनस यन ए का मतलब क्या होता है एटॉमिक मास नंबर यानी कि फोरटी इसके बाद न्यूट्रॉन नंबर ट्वेंटी वन उसमें से हम माइनस करना है ए माइनस यन यानी कि क्या हो गया फोरटी माइनस ट्वेंटी वन आंसर हो गया नाइनटीन नाइनटीन जो होता है वो पोटेशियम एलिमेंट होता है कौन सा होता है पोटेशियम और पोटेशियम जो है वो ग्रुप नंबर वन में होता है यानी कि वो अल्कली मेटल है क्या है वो अल्कली मेटल यानी कि ग्रुप नंबर वन इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन का अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट की तरफ देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा फिफ्टी एट का क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गलत कौनसा स्टेटमेंट है आपको निकालना है ठीक है यहाँ पर देख लीजिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू तो राइट इन द पेराडिक टेबल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जाते हैं तो वो क्या होता है बच्चों इंक्रीज होता है ये सही आंसर है बच्चों उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप टू टौ बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है डिक्रीज़ होता है ये गलत है बच्चों क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है एटॉमिक साइज़ बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है इसलिए उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज़ होता है लेकिन यहाँ पर क्या दिया है डिक्रीज यानी कि ये कैसा है गलत है बच्चों ठीक है उसके बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ता है यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये सही है बच्चों ये सही आंसर है ठीक है उसके बाद एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट लेफ्ट से अगर हम राइट right जाते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्या होता है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होता है डिक्रीज होता है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इंक्रीज़ मतलब क्या हो गया ये सेंटेंस गलत है इसके अंदर कि ये गलत हो गया ठीक है यानी कि चार में से कितने आंसर सही है बच्चों सिर्फ दो आंसर सही है कौन सा नंबर वन और नंबर थ्री ये दो सही आंसर है यानी कि क्या हो गया यहाँ पर देख सकते कौन सा आंसर होता है यानी कि क्वेश्चन नंबर टू और थ्री यानी कि रॉन्ग सॉरी रॉन्ग कौन सा ऐसा पूछा है ना इनकरेक्ट इसलिए क्या हो गया टू और फोर यानी कि आंसर वन इज द करेक्ट आंसर ठीक है बच्चों आंसर वन इज़ द करेक्ट आंसर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो अगला वाला क्वेश्चन है अच्छे ध्यान से पढ़िएगा फिफ्टी नाइन नंबर इसमें क्या है असरशंस और रिजन इसमें दिया गया है असरशंस क्या है देखिएगा एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस आर लार्जेस्ट इन द रिस्पेक्टिव पीरियड पीरियड में क्या होता है एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस बढ़ते जाता है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है यहाँ पर इनर्ट गैस में होता है ये सही है बच्चों उसके बाद रीज़न क्या बोलता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इनर्ट गैस सेस आर मिनिमम इन द पीरियड वो मतलब ये भी सही आंसर है बच्चों क्या हो गया ये भी सही आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं असरशंस ये भी सही है और रीज़न जो है वो भी सही है बच्चों यानी कि आंसर क्या होता है फिर बोथ ए यानी कि असरशन एंड आर यानी कि रीजनिंग ये दोनों जो है ये सही आंसर है बच्चों ट्रू है ठीक है इसलिए क्या बोलते हैं आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है आर क्या है ये ये का सही आंसर है बच्चों ठीक है उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी की तरफ क्या है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स हमको मैच करना है ये कॉलम और बी कॉलम यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मैच करना है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों क्या है ई का एल्यूमिनियम ठीक है ई का एल्यूमिनियम इका बोरॉन इका सिलिकॉन इका मैगनीज इका एल्यूमिनियम जो होता है एल्यूमिनियम के नीचे जो होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है ठीक है बच्चों एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम होता है कौन सा एलिमेंट होता है गैलियम होता है ठीक है बच्चों सिलिकॉन के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है जर्मेनियम होता है कौन सा एलिमेंट होता है बच्चों जर्मेनियम होता है और बोरॉन का मतलब क्या होता है स्कैंडियम होता है क्या बच्चों स्कैंडियम होता है और इका मैग्नीज का मतलब क्या होता है टेक्नीशियम टीसी होता है यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया वन नंबर का सही आंसर होता है ठीक है बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन की तरफ बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन मेटल एक्स विच कैन बी विगरसली रिएक्ट्स विद द डायलूट एल बट रेडियली एट ऑल विथ कोल्ड वाटर इफ द एक्स इज हीटेड विद स्टीम वाइट सॉलिड वाई कंपाउंड इज फॉर्म विच इज कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड ओके देन एक्स वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली आर ठीक है इसका सही आंसर मैंने आपके सामने बनाया है यहाँ पर सोल्यूशन में देख सकते हैं आप ये एक्स वाला जो कंपाउंड है इसका डायलूट एस के साथ अगर रिएक्शन बनता है तो क्या होता है बच्चों यम जी और जी एच फॉर्मेशन होता है ठीक है बच्चों उसके बाद स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यच गैस लिबरेट होता है ये वाइट पीपीटी होती है और एच गैस यहाँ पर लिब्रेशन होता है इनके सही आंसर क्या हो गया है टू नंबर का यम जी एम जी और H2 टू उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू की तरफ बढ़ते हैं बच्चों जल्द से जल्द हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे मैच द कॉलम इसको हमको मैच करना है ठीक है बच्चों ये दोनों कॉलम आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा है तो आप देख सकते हैं कैसा होता है अलाय फॉर्म्ड फ्रॉम झिंक एंड कॉपर झिंक और कॉपर से जो अलाय बनता है वो कौन सा होता है तो उसका सही आंसर है ब्रास क्या बनता है वो ब्रास रोस्टिंग ऑफ जेड एंड यस झडनस को जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है जड़ियन का होता है झड़न ओ और सल्फर का होता है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड इनके यहाँ पर झड़न ओ और यस ओ टू का फॉर्मेशन रोस्टिंग प्रोसेस में होता है बच्चों ठीक है उसके बाद केमिकल रिएक्शन टू ऑप्टेन जिंक ओके केमिकल रिएक्शन टू ऑप्टेन जिंक ये कौन सा रिएक्शन है तो ये रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ जडियन ओ जडनओ का जब हम रिडक्शन करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है और झिंक का फॉर्मेशन होता है ठीक है बच्चों लास्ट है झिंक ब्लेंड झिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है झेड एन यस ठीक है झिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है झेड एन यस और इसका सही आंसर हो गया आंसर नंबर टू ठीक है बच्चों आंसर नंबर टू इसका सही आंसर हो गया उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री की तरफ कौन सा है बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल गिव द स्ट्रोंगेस्ट आइनिक बॉन्ड कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड बनाया जा सकता है इसमें कंडीशन ऐसा है बच्चों आइनिक बॉन्ड बच्चो, जब हमको स्ट्रांग बनाना है तो कैटाइन छोटा होना चाहिए कैटाइन जो होता है वो छोटा होना चाहिए ठीक है बच्चों और यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम इसमें से थोड़ा अगर आप थोड़ा सा जानकारी अगर लेते हैं तो इसमें से छोटा कैटाइन और बड़ा अनायन होना जरूरी है इसका सही आंसर आप यहाँ पर स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हैं एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव इसका सही आंसर है बच्चों क्या है इसका सही आंसर है ठीक है समझ में आ रहा है आपको उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर की तरफ बढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर का क्वेश्चन नंबर क्या है देखिएगा मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज नॉट सुटेबल फॉर डे डैश मेटल कौन से मेटल के लिए सुटेबल नहीं है जिंक के लिए जो है एक्टिव मेटल है कॉपर एक्टिव मेटल है सिल्वर मेटल है तो इसमें मर्क्यूरी के लिए ये सुटेबल मेथड नहीं हो सकता है बच्चों इसलिए इसका सही आंसर सी है ठीक है उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव की तरफ कौन सा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल मेटल का डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा हो सकता है ठीक है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे एक्टिव मेटल कौन सा हो सकता है बच्चों जिंक उसके बाद क्या है आयरन उसके बाद कॉपर उसके बाद सिल्वर यानी कि लेस रिएक्टिव सिल्वर है सबसे एक्टिव मेटल क्या है जिंक जिंक से कम रिएक्टिव आयरन है आयरन से कम रिएक्टिव कॉपर है कॉपर से कम रिएक्टिव सिल्वर है यानी कि ये ऑर्डर यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका आंसर एक नंबर सही है बच्चों एक नंबर का ऑप्शन उसका सही आंसर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स क्या होता है देखिएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से आपको आंसर चुन के निकालना है कौन से कौन से आंसर इसमें करेक्ट आंसर है ठीक है बच्चों इसमें देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बना गया है यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि ए और बी इसका सही आंसर है ठीक है बच्चों ए और बी कैसा है देखिएगा सभी ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ेंगे पहला क्या है रेट ऑफ डिकॉम्पोजिशन ऑफ के सी एल ओ थ्री इंक्रीजेस बाय एडिंग एम एन ओ टू ये ऐड करने से इसका क्या होता है रिएक्टिविटी इंक्री यानी कि डिकम्पोजन का रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है यानी कि ये सही आंसर है बच्चों क्योंकि के सी एल ओ थ्री ये डिकॉम्पोज करते वक्त हम उसमें यम एन ओ टू एक कैटेलिस्ट बोल के वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं यानी कि इसलिए उसका रिएक्शन रेट बढ़ता है दूसरा है रेट ऑफ करोजन ऑफ आयरन इंक्रीजेज बाई इंक्रीजिंग द सी ओ टू इन द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में जब सी ओ टू बढ़ता है तो कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है और कार्बोनिक एसिड की वजह से किसी भी आयन का करोजन का रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है बच्चों उसके बाद सी आंसर क्या है एडिशन ऑफ कॉपर पाउडर टू झन एसओ फोर टर्न्स टू ब्लू कलर ओके ये नहीं हो सकता बच्चों क्योंकि कॉपर ए झिंक से लेस रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव होने के वजह से वो झिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता यानी कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता अगर वहाँ पर कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होता था तो वो ब्लू कलर फॉर्मेशन करता था। है यानी कि गलत है ये ठीक है गोल्ड इज गेट डिजॉल्व इन एस गोल्ड एस में डिजोल्व नहीं होता बच्चों गोल्ड सिर्फ और सिर्फ एक्वा रेजिया में डिजॉल्व होता है ये भी गलत आंसर है ठीक है इसलिए ए और बी क्या है करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर टू इज़ द करेक्ट आंसर समझ में आ रहा है आपको आंसर नंबर टू यहाँ पर देख सकते हैं ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर ओके उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन है? नंबर है? सिक्सटी सेवन की तरफ क्या है देखिएगा इसमें हमको एक्स निकालना है वाई निकालना है जेड ये तीनों का वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करना है ठीक है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप यहां पर यहाँ पर एक्स वाई और जेड ये तीनों का वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है ठीक है इसका आंसर आप कैलकुलेट करके अगर देख सकते हैं तो उसमें आंसर मिल जाता है टू फाइव और सिक्सटीन क्या होता है बच्चों एक्स की वैल्यू होती है टू वाई की वैल्यू होती है फाइव और झड़ की वैल्यू होती है सिक्सटीन उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट की तरफ हम बढ़ते हैं क्या देखिएगा एच टू एस प्लस एस ओ टू गिव थ्री एस प्लस टू एच टू ओ ठीक है yes, yes, 2H2O, इसका थोड़ा सा हम क्या ऑप्शन क्या है देखिएगा कि चार ऑप्शन है ये रिएक्शन कौन से टाइप का है डिस है डबल डिस्प्लेसमेंट है एडिशन है या कॉम प्रोपोर्शनेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता है बच्चों आपको जानते हैं ये एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है एडिशन रिएक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्डेड कन्वर्टेड टू तो सिंगल बॉन्ड ऐसा भी यहाँ पर नहीं हो रहा है यानी कि इसमें तीसरा चांस है डिसप्रोपोर्शनेशन और लास्ट है कॉम प्रोपोर्शनेशन डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होना इसे हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन जो रिएक्शन होता है उसका अपोजिट वाला जो रिएक्शन होता है यानी कि उसको हम बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन और ये जो रिएक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है यानी कि यस ओ टू जो है उसका रिडक्शन हो रहा है और यश टू एस का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी कि दो कंपाउंड का कन्वर्जन एक ही कंपाउंड में हो रहा है अगर इस तरीके का अगर रिएक्शन आपके सामने आ जाए तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑप्शन उसका सही आंसर फोर है बच्चों उसके बाद आंसर सिक्सटी नाइन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या है थ्री बीकर्स तीन बीकर है ए बी और सी उसमें क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट वाटर है स्मॉल अमाउंट हम उसमें यानी वो जगह ऐड कर रहे हैं अनहैड्रस सी यू एस ओ फॉर उसमें एडिशन कर रहे हैं यानी ए सी एल ये दोनों एक साथ उसमें ऐड किया जा रहा है बीकर ए बी सी में रिस्पेक्टिवली इट वॉज ऑब्जर्व दैट देर वॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कौन से कौन से बीकर में टेम्परेचर बढ़ता है और कौन सौ से टेम्परेचर डिक्रीज होता है ये आप ऑब्ज़र्व करना है ए बी सी में ठीक है बच्चों तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंटली इसके सामने सोल्यूशन बनाने की कोशिश किया है आप देख सकते हैं ये टेस्टूब नंबर ए है टेस्ट टेस्टूब नंबर बी है टेस्ट टेस्टूब नंबर सी है तीनों में हमने क्या किया है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव एम एल वाटर लिया है बच्चों उसमें क्या एडिशन क्या है एन ए ओ एच और अनहाइड्रस सी यू एस ओ फोर एन ए सी एल का एडिशन अगर किया जाए इसमें एन ए ओ एच एडिशन किया है इसमें हमने सी यू एस ओ फोर ऐड किया है इसमें हमने क्या किया यानी ये सी का एडिशन क्या है यानी वो एच अलकली अगर अल्कली अगर वाटर में ऐड करते हैं तो वहाँ पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो गया ये एग्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो गया यहाँ दोनों में क्या हो रहा है एग्जोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है ठीक है बच्चों यानी कि इसमें क्या हो गया दोनों चांसेस है इसलिए ऑप्शन नंबर हमने तीन को चुना है क्या देखिएगा ऑप्शन नंबर थ्री में आपका आंसर क्या दिया गया है तो ऑप्शन नंबर थ्री में दिया गया है वन एंड फोर यानी कि वन का है देखिएगा बिकर ए एंड बी आर एक्सोथर्मिक ठीक है बिकर ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है और चार नंबर वाला क्या बोलता है इन बिकर सी एंडोथर्मिक रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट ओके उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है ठीक है बच्चों उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहला जो है आप देख सकते एम जी सी ओ थ्री का एम जी ओ और सी ओ टू हो रहा है यानी कि ये डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है क्या बच्चों ये डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है ठीक है उसके बाद दूसरा वाला जो रिएक्शन है ये एडिशन नहीं है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों क्या है ये डिस्प्लेसमेंट सोडियम हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है इसलिए आपका सही आंसर क्या है टू नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर है ठीक है बच्चों देख सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर ओके थैंक्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो यानी कि जो टेस्ट होने जा रहा है संडे के लिए उसका सोल्यूशन मैं जल्द ही जल्द आपके सामने लेकर आ रहा हूँ थैंक्स